आज आपको बताते हैं हम आम का अचार कैसे रखते हैं। आम को पहले काट के धूप में सुखा लें, फिर उसमें लहसुन का पेस्ट डाला है, ये राई को मैंने पीस के डाला हुआ है, ये सारे मसाले मैंने भूंज के मिक्सी में पीस लिए थे। इसमें है जीरा, धनिया और मेथी, सौंफ, सबको भूंज के कढ़ाई में भूंज लिया था और मिक्सी में पीस के सारा मसाला डाल दिया है। ये नमक डाला है स्वाद अनुसार, और आप हल्दी डाल लें, इससे कलर अच्छा आता है। ये मैंने लाल मिर्च डाली हुई है, आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, तीखा कम तीखा। ये मैंने लाल मिर्च डाली हुई है, जिसमें उसको तीखा ज़्यादा पसंद है। अब आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका, सिरके से अचार ख़राब नहीं होता है और इससे थोड़ा खट्टापन आता है, तो आप सिरका इसमें थोड़ा डालें। आप देख सकते हैं मैंने कितना सिरका डाला हुआ है इसमें। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें, आप सब अच्छे से मिक्स करें। कलर नहीं, बस सफेद देखिए। मिक्स करने के बाद अचार का कलर कितना अच्छा आया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सारे मसाले वसाले मिक्स करने के बाद एक बार आप मसाले को टेस्ट कर लें, अगर आपको नमक कम लगे या कड़वा कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक और मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, इसलिए आप टेस्ट भी कर लें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्या कलर आया है, क्या देखने में लग रहा है।